आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखी रानू, देखिए कितनी कमजोर हो गई हैं। आपसे मैंने कितनी बार कहा है अपनी मेडिसिन टाइम पे लिया करें। देखिए ये टैबलेट तो आपकी पिछले हफ्ते खत्म होनी थी। क्या दवाइयां तो मैं लेती रहती हूँ, बस जरा दिल भर जाता है ना, फिर कम कर देती हूँ। मुंह का जायका ही बदल जाता है मेरा बच्चा। तो मानो यही तो लापरवाही है आपकी। आपको डॉक्टर ने जो मेडिसिन जितने टाइम के लिए दी होती है उतने दिन के लिए खानी होती है। आप क्यों नहीं समझती नानो, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। मेरा बच्चा तुम क्यों परेशान होती हो? तुम आती हो ना, मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ, देखो तो सही। और तुम्हारे लिए मैं जीने की कोशिश करती हूँ बेटा, मेरी जान हो तो बस फिक्र ना किया करो मेरी। ज्यादा दर्द हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है, सिर्फ ऐसा लग रहा है मेरी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। ऐसे मत कहो, आई एम श्योर कि एक्सरे के रिजल्ट्स ठीक ही होंगे। हाँ आदिया, जोहेब आप किधर रह गए हैं? आपको पता है कितना टाइम हो गया है? हाँ मुझे अंदाजा है, वाकई बहुत लेट हो गया हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, सारा बहुत तकलीफ में, मुझे तो खुद बहुत टेंशन हो रही है। अगर तुम फिक्र मत करो, मेरी एसएम से बात हो गई, वो जैसे आएगा मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। ओ मेरा पैर। आज मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, सारा बहुत तकलीफ में। जोहेब मेरी बात सुने। हेलो जोहेब, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाओ, बहुत दर्द हो रहा है। और सा हौसला करो, अभी डॉक्टर्स को एक्सरे मिला है, आई एम श्योर कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके रिपोर्ट्स तो इनकी क्लियर हैं और हड्डी का भी कोई मसला नहीं है। शुक्र है। लेकिन फिर डॉक्टर मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? कभी कभी वीकनेस की वजह से मसल स्पेन हो जाता है। मैं आपकी बैंडेज करवा देती हूँ और आपको मेडिसिन लिखकर दे रही हूँ, वो आप लेंगी तो आपको बहुत जल्द आराम आ जाएगा। थैंक यू। अच्छा सारा, तुम्हें पता है बहुत टाइम हो गया है, मेरी और हादिया की फ्लाइट है, तो मैं चाची को बुला देता हूँ फिर मैं निकल जाऊंगा। जोहेब प्लीज मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, मम्मा मेरी तकलीफ नहीं देख सकेंगी, सिर्फ बैंडेज होने तक रुक जाओ ना। अगर सारा कर क्या जोहेब, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अब इतना भी हक नहीं है मेरा तुम पर। ठीक है, अगर तुम यहाँ मुझे तकलीफ में छोड़कर जा सकते हो तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगी। अच्छा ठीक है, मैं आदिया को फोन कर देता हूँ, कह देता हूँ कि मामू के साथ घर चली जाए, तब तक हम यहाँ से फ्री हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।